7.2.3 पाचन तंत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तक हमने मुंह में पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकुंचन पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। गले, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में वॉल्व जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। मुंह से भोजन ग्रसनी फेरिंग्स से होता हुआ एक लंबी नली ग्रसिका इजोफेगस द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में होने वाली क्रियाओं से भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव जैसा हो जाता है। यहाँ से यह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है, लगभग 20 फीट। यकृत और अग्नाशय आहार नली से जुड़ी पाचक ग्रंथियाँ हैं। इनके द्वारा स्रावित पाचक रस नलियों द्वारा छोटी आंत में पहुँचते हैं। अग्नाशय से स्रवित पाचक रस में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का माध्यम क्षारीय हो जाता है। इस क्षारीय माध्यम में पाचक रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमारे आहार नली में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रवित होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। यह अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, मुख्य रूप से जीवाणुओं के जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं, अग्नाशय से निकलने वाले स्राव में अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं और इनसे क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। पूर्ण पाचन से भोजन के मुख्य अवयवों का अपघटन होता है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में वसा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। यकृत से पित्त बाइल का स्राव होता है। यह स्राव नली के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में वसा की बड़ी गोलिकाएँ पित्त के द्वारा छोटी गोलिकाओं में टूटती है इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। इससे वसा पर एंजाइम लाइपेज का प्रभाव बढ़ जाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घ रोम विलय कहते हैं। इनमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। छोटी आंत में जल की कुछ मात्रा भी अवशोषित होती है। जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता है वह बड़ी आंत में पहुँचते हैं। यहाँ अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण विलायक है। अपचित भोजन या मल और कुछ गैसें मल द्वार एनस से शरीर के बाहर निकल जाती हैं। जो भोजन खाते हैं वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह भोजन जटिल पदार्थों से बना होता है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे सरल पदार्थों में तोड़ने की जरूरत होती है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है। जैसे जैसे भोजन इसकी नली से गुजरता है इसका विखंडन, पाचन और अवशोषण होता है, जबकि अपच भोजन उत्सर्जित हो जाता है। भोजन मुंह में जाता है, जहां यह दांतों के द्वारा चबाया और जीभ की सहायता से
लार के साथ मिश्रित हो जाता है। लार में मौजूद एंजाइम लार एमाइलेज स्टार को शर्करा में तोड़ देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन क्रमाकुंचन कहलाने वाली तरंग के समान पेशीय संकुचन द्वारा ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है। आमाशय की पेशियां भोजन को मथकर पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम तथा म्यूकस अथवा श्लेष्मा नामक पाचक रसों के साथ मिला देती है। एक बार आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, यह छोटी आंत में चला जाता है। पेशी जो इस प्रवाह को नियंत्रित करती है पाइलोरिक स्पिंक्टर कहलाती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है जो 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलिका रणलिका होती है। यह यकृत और अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन में मिलकर भोजन का और पाचन करते हैं। अग्न्याशय रस द्वारा स्त्रावित अग्न्याशय रस ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम से युक्त होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है जबकि लाइपेज इमल्सीकृत वसा को तोड़ता है। छोटी आंत द्वारा स्त्रावित अग्न्याशय रस उन एंजाइमों से युक्त होता है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों पर असंख्य अंगुली जैसी आकृति वाले अंकुरों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अंकुर रक्त वाहिकाओं से समृद्ध होते हैं जो अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपचा और अनवशोषित भोजन बड़ी आंत में जाता है जहां पर सूक्ष्म अंकुर लवण और जल को अवशोषित कर लेते हैं। अपचा भोजन अब एक ठोस आकार ले लेता है। यह तब तक मलाशय में जमा रहता है जब तक कि यह मल द्वार द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं हमारी आंतों में एक पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है जिसमें अधिकांश जीवाणु हैं। हमारे आंत में बसे इन जीवाणुओं की जैविक प्रक्रियाओं के कारण पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। भोजन के कई अवयव जैसे कुछ प्रोटीन व विटामिन हमारे शरीर में इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण उपयोगी स्वरूप में बदल जाते हैं। इनकी जैविक क्रियाओं से ही हमारे आंत में कई गैसें भी बनती हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन अमोनिया आदि। मनुष्य में जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ अपेंडिक्स नामक रचना पाई जाती है। संभवतः पूर्व में यहाँ सेलुलोज का पाचन होता था। पचा हुआ भोजन शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे?